और ऐसी ताकतें सत्ता पे काबिज हुई है जिनका आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूं कच्छाधारियों का, हाफ पैंट पहनने वाले आजकल फुल पैंट कर लिए, तो ये जो हाफ पैंट वाले हैं ये आजकल देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। कहते हैं कि इतिहास के बारे में झूठ बोला जा सकता है लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो एक मजेदार बात बोले हैं कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते हैं। इसीलिए ये इतिहास तो बना नहीं सकते हैं, इतिहास बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास के बारे में झूठ जरूर बोल सकते हैं। तो ये आजकल झूठ बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। जब भी ये देशभक्त आपको दिख जाएं, उनको बुला करके पूछिएगा एक आदमी का नाम बता दो जो ब्रिटिश के द्वारा आरएसएस के किसी लीडर को जेल में डाला गया हो, फांसी पर चढ़ाया गया हो, उसके साथ कभी कुछ किया गया हो। इनके पास ऐसा कोई नाम नहीं है। और तो और आजकल ये लोग पब्लिक में अंबेडकर करते हैं और प्राइवेट में सावरकर करते हैं। तो जो सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, इस बात का इतिहास है। और जो सावरकर के चेले हैं वो अंबेडकर के चेलों से आजादी पे कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, कोई बहस नहीं कर सकते हैं। और इनका इतिहास ये है कि माफी मांगने वाले ये लोग खुलेआम इन्होंने लिखा अपने दस्तावेजों में कि हम संघियों को, जिनको इस देश के परिधान में कोई परिधान नहीं मिला, हिटलर के मुसोलिनी से काली टोपी लेकर के आ गए, कच्छाधारी काली टोपी वाले ये संघी अंग्रेजों के बारे में कहते थे कि अंग्रेजों से हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों को हमको मदद करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज अगर रहेंगे तो इस देश में मुसलमान कमजोर हो जाएंगे और हमको हिंदू राष्ट्र बनाने में आसानी होगी। ये इनकी सोच समझदारी थी। और इस इतिहास को आप पढ़िए, क्यों करते थे कि इनको वायसराय बना दिया जाए, इनको बहुत बड़ी बड़ी डिग्री दे दी जाए और गरीबों का जमीन छीन करके इनको जमींदार बना दिया जाए, इसलिए ये जासूसी किया करते थे। उस समय अंग्रेजों की जासूसी करते थे, देश के आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तो आरएसएस ने कहा कि एक अछूत के द्वारा लिखे गए संविधान को हम नहीं मानेंगे। और आज उसी संविधान का कसम खा करके कुर्सी पे एकदम बैठने के लिए ताबड़तोड़ प्रतियोगिता किए हुए हैं। और संविधान को नहीं मानेंगे, मनुस्मृति इस देश का संविधान है, ये आरएसएस का कहना है। और 1947 के बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमको हिंदू धर्म के अंदर जो जात पात है उसको खत्म करना है, उसको नस्ते नाबूद करना है, और उसको खत्म करने के लिए, उसको नस्ते नाबूद करने के लिए ये जरूरी है कि हम मनुस्मृति को जलाएंगे। और जब मनुस्मृति को जलाया गया तो ये संघी लोग, उस समय बीजेपी पैदा नहीं हुआ था, इनका पप्पा है वो, तो संघी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला जला रहा था। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी उरन खटोला से गए थे बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। बहुत बढ़िया बात है, अंबेडकर को जलाने से लेकर के अंबेडकर का मूर्ति लगाने वाले, जब तक मनुस्मृति नहीं जलाओगे तब तक नहीं मानेंगे कि तुमको इस देश के संविधान में भरोसा है। चलो छोड़ दिया देते हैं मनुस्मृति को, कौन पूछ रहा है आजकल मनुस्मृति को, आजकल आरएसएस भी मनुस्मृति की बात नहीं कर रही है, तो देश के संविधान की बात कर लेते हैं। और देश का संविधान क्या कहता है, देश का संविधान कहता है कि भारत की सीमा रहने वाले सभी जाति धर्म संप्रदाय
भाषा बोली रंग के लोग सभी लिंग के लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिकों का तमाम अधिकार समान रखा गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, गोरा हो या काला हो, सबके लिए बराबरी की बात की गई है। जब सबके लिए बराबरी की बात की गई है तो उस बराबरी का हक जब हम मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हमको मनुवाद से आजादी चाहिए, हमको जातिवाद से आजादी चाहिए, जो धार्मिक उन्माद है, जो सांप्रदायिकता है, हमको उससे आजादी चाहिए, समाज के अंदर जो गरीबी लूट और भूख है उससे हमको आजादी चाहिए, और हर एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको आत्मसम्मान से जीने का हक है, हमको इस आत्मसम्मान की आजादी चाहिए। तो इस बात से आपको पेट में दर्द क्यों होता है? इनको पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनको संविधान में भरोसा नहीं है, इसीलिए ये कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई, इस देश को तुम इतना हल्का मत समझो। जब तुम अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, तब भी तुम्हारे खाकी चड्डी के भीतर जो भगवा रंग है उसको हमने देख लिया था, और आज भी देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर तुम्हारा बगल बच्चा ध्रुव सक्सेना और उसके बच्चे पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं, उसको हमने देख लिया है। तुम हमको देशभक्त साबित करो ये हम जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन तुम गद्दार हो, कभी अंग्रेजों की के लिए गद्दारी की, आज पाकिस्तान के नाम पे गद्दारी कर रहे हो, ये हम जरूर समझते हैं। और साथियों, एक ताजा मामला है, आप सब लोग टेलीविजन देखते होंगे, हालांकि टेलीविजन की दुनिया का अजब निराला है, मतलब आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप एक क्रीम लगा लीजिए आप गोरा हो जाएंगे। उसी तरीके से उस पर कुछ दिन पहले मोदी 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 कर रहा था, आजकल जोगी 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 कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे होंगे कि कितना बेईमान है, 3 साल में ही अपना रंग दिखा दिया। कल तक जो मोदी की प्रशंसा में जिनका कंठ नहीं सूखता था, बिना पानी पिए उनकी प्रशंसा में लगे रहते थे, आजकल अपना पाला बदल लिया है, और यहां तक कि योगी जी के बिस्तर में घुस करके कैमरामैन के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितना बार नहाते हैं। शुक्र है कि ये नहीं कह दिया कि कितना बार जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि टीवी पे ऐसा माहौल बना हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए, किसी भी इंसान को, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो या महिला हो, उसको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश इनका बपौती नहीं है, इनका सारा नौटंकी इनके पास पहुंचा देंगे, उनको समझा देंगे कि यह देश तुम्हारा बपौती नहीं है। उनको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, इनसे कभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बार बार कहते हैं कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है उसको पकड़ करके हम चौक चौराहे पे गोली मार देंगे, तब हम लोग कहते हैं कि आतंकवादी पकड़ा गया है, आतंकवादी है कि नहीं है और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए हमारा कोर्ट है। और देखिए हमारे कोर्ट सिस्टम को, जिसको इन्होंने बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की है, फिर भी कसाब को यहाँ पे प्रॉपर ट्रायल मिला था, पूरा अधिकार उसको दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को लोग हिंदुस्तान के अंदर बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप बार बार देखेंगे, जब आप न्याय प्रक्रिया को सुधारने की बात करेंगे, सरकार को सुधारने की बात करेंगे, सिस्टम को कानून के हिसाब से, संविधान के मूल्यों को समाज में लागू करने की बात करेंगे, सबको शिक्षा और सबको काम, सबको चाहिए आत्मसम्मान, इसकी बात करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि ये देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान भेज दो। चिंता मत कीजिए, अगर हम लोग डर गए और यूनाइट नहीं हुए तो हिंदुस्तान को ही ये लोग पाकिस्तान बना देंगे।
और क्या फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यह अलग बात है कि तमाम तरीके की गड़बड़ियां फैला करके इस डेमोक्रेसी को कमजोर करने की, इस संविधान को कमजोर करने की, और इस देश के अंदर जो तहजीब है, जो एकता है, इस हॉल का नाम भी एकता हॉल है, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पे बार बार थियोक्रेसी को लागू कराने की कोशिश की जा रही है। उनकी तरह नहीं, उनके लिए तो आपके नल में अगर पानी नहीं आता उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेवार है, उनके लिए तो मानसून टाइम पे नहीं आता है उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेवार है। तो संघियों की तरह नहीं, एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह कि हिंदुस्तान में भी लोकतंत्र कायम रहे और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी अगर लोकतंत्र के ऊपर हमला होता है हम अपनी आवाज को मुखर करेंगे। और एक इंसान को आनन फानन में कोर्ट मार्शल कर देना ये गलत है, ये बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि मैडम सुषमा जी का और हमारे 56 इंच वाले गदाधारी जुमलाधारी प्रधानमंत्री जी का क्या रोल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी धूम केतु की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगा आए हैं। और ये संघी लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते होंगे कि पहली बार एक ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री बना है जो आराम ही नहीं करता है, वो काम ही काम करता है। तो जरा टेस्टिंग हो जाए, धूम केतु की तरह पूरी दुनिया घूम करके आए हैं और कहते हैं कि हमने चाइना को डरा दिया, अमेरिका को मिला लिया, रसिया को समझा दिया और बाकी तो कोई दुनिया में है ही नहीं।